संपूर्ण खबर को आसिबा उपर चकाचक किंतु भितर फंपा सामना को आसिला 5T स्कूल रूपांतरणर असल चित्र। वर्षा भुशुरी पड़ा 5T स्कूल पाचेरी भांगिला महापुरुषों प्रतिमूर्ति। पुरी जिला डेलांग ब्लॉक रे स्कूल रूपांतरण कार्य व्यापक अनियमितार अभियोग सामना को आसी। धानकेरा स्थित कपिलेश्वर नोडाल उच्च विद्यालय को 5T योजन सामिल कर लक्षाधिक टंका व्यय 2022 मसीह रूपांतरण काम आरंभ होता। मात्र काम को 2 वर्ष बीती ना बेले गतका वर्षा स्मार्ट स्कूल 80 फुट लंबा पाचेरी भुशुरी पड़ा। एस निकटने महापुरुषों प्रतिमूर्ति पाचेरी पड़ मूर्ति भांगी तले पड़ जा। विद्यालय रूपांतरण पर लक्षाधिक टंका खर्च होगा सत्वे विद्यालय स्मार्ट क्लासरूम कांथर पा झरुच्च फल स्मार्ट क्लासरूम कंप्यूटर एवं प्लाईरे तैयारी चौकी टेबुल सह थाक अन्यान्य वैद्युतिक उपकरण सबकि नष्ट होता आशंका। से भाई रोष घरे पूर्वर आजबेस्टस न काढ़ी ता छात पक जा 6 मास जन स्थायी प्रधान शिक्षक ना सहकारी शिक्षक दुर्गाप्रसाद रथ भारप्राप्त प्रधान शिक्षक भाव दायित्व तुलाऊ। विद्यालय उन्नतीकरण में व्यापक दुर्नीतिर अभियोग सामना को आसी तदंत दाबी हो। दीर्घ 2 वर्ष तले काम होता 5T काम नहीं किंतु ये वर्ष प्रथम वर्षा पिलर सहित स्टाच्यू एवं स्कूल सब छात कांथ क्राक हो छात्र स्मार्ट क्लास ई लाइब्रेरी आ कंप्यूटर रूम रे मध्य पादे पादे पानी वर्तमान दीर्घ 2 वर्ष भितर काम 2 वर्ष भी संभाली पारनी। वर्षर प्रथम वर्षा एत बड़ 30 फुट पाचेरी घुशुड़ी जाइछि। एठार 5T रे कौनसी काम होइनी गोटे परसेंट भी काम होइनी। 40 वर्ष दीर्घ 3टा रूम थिला से दीर्घ भांगिक पड़ा 40 वर्ष होला आम देखी आसुचु। आम वर्तमान मु छात्र 14 वर्ष होला स्कूल छाड़लाणी ता सत्य भी मु 15-20 वर्ष तले देखी थी जो स्कूल थिला से स्कूल ताकू खाली कलर मारिक 5T रे रूपांतरण कर। ए बाबद अतिग आलोचना करने दुर्गा माधव आम पिपिली प्रतिनिधि जोड़ी होती आम सहित। तो दुर्गा माधव जेभली भाव वर्षा भुशुड़ी पड़ी 5T स्कूल पाचेरी प्रश्न आसुच्चे मात्र 2 वर्ष काम एभली भाव काम होता जे असराय वर्षा पाचेरी दंभ संभा पारा ना देखु ये घटना घटी गत काली जो वर्षा होता वर्षा असराय वर्षा 2 असरा वर्षा बर्तन गोटे पाचेरी भुशुड़ी पड़ी कि जो भाई भाव काम होता 5T के सतता है स्पष्ट प्रमाणित हो घटना हम धानकेरा पंचायत कपिलेश्वर नोडाल उच्च विद्यालय घटना जो पाचेरी अच्छी भुशुड़ी पड़ी आउ मुख्य कथा हूँ पाचेरी तो भुशुड़ा पाचेरी भुशुला जो महापुरुष जो प्रतिमूर्ति रही प्रतिमूर्ति पर माड़ बसला जहाँफल कि नेताजी सुभाष बोस जो प्रतिमूर्ति अधर भांगी पड़ी तले गड़ू ये किभली भाव जो पूर्व सरकार थिला तो जो 5T जो जो नियम रे जो स्कूल टी काम होता तार के सतला स्पष्ट बखाणुंट स्थानीय ग्रामवासी हूँ जो मैंने से देखी गभर उद्योग प्रकाश करते किभली भाव काम होता और पूर्व झील विभाग अधिकारी जो मैंने से मैंने किभली भाव काम को जांच करी तार बिल देते ये गोटे निहाती प्रश्न सृष्टि निश्चय केवल यही असुविधा नुह दुर्गा माधव जहाँ जनापड़ी जे प्रधान शिक्षक निजुक्ति को लेकिन दिन असंतोष लगी रही स्थायी समाधान हो पारिना सेपटे वर्तमान आजबेस्टस छात पकेबा घटना सामना को आसी कि तरबरिया भाव में काम सारी दिया उपरू चकाचक देखा किंतु भितर तार फाउंडेशन कहतु बा जो जो भाव में काम होता से व्यापक टंका चलू होइथिबार अभियोग सामना को आसी गुड़ाए अभियोग फर्दर रही घटना टी आम जब कह जो जो सब भूल बटका अच्छी खजुरी गछर किगुण गायबि जो मूल रूप पहात मानने विभिन्न पिपिली निर्वाचन मंडल कथा कह डेलांग ब्लक हो पिपिली ब्लक हो ये मैंने सिस्टम संपूर्ण करप्ट हो जाए मैंने कह 5T अधीन जो काम होती 35 लाख व्यय उक्त स्कूल जो जो सब उन्नयन काम होती सौंदर्यीकरण हूँ उन्नतिकरण हो सब व्यापक सब क्षेत्र में व्यापक दुर्नीति होती छात्र रू पा गलवा हूँ प्लास्टर गली पड़ा हूँ एवं जो पिला माने जो क्लासरूम रे बसुंती से क्लासरूम रे पादे पादे पानी रहुची एवं जो पाचेरी कथा देखंतु प्रत्येक जिनस को देखिया गले सेटी माने व्यापक अनियमितता हेची आ जो माने यहा को माने ठेकेदार एवं जो विभागीय अधिकारी को मधुचंद्रिका रे या ही समाव हेची एवं जे जो स्थानीय जो माने थिले
ସେଠି ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୂକ୍ଷେପ ନଥିଲା, ଯୋଉଠିକି ଯୋଉ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପିଲା ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ବିପଦ ରହିଛି ତାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସେସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ଭୂକ୍ଷେପ ନଥିଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଇଏ ଯୋଉ କପିଳେଶ୍ୱର ନୋଡାଲ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅବସ୍ଥା ଆଜି ଏଇଭଳି ହେଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଶିକ୍ଷାବିତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗଭୀର ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଘଟଣା ସାରା ଦେଲାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଡ଼ା ପିପିଲି ପ୍ରତିନିଧି ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ ଖବରକୁ ନେଇକି କେମିତି ଭୁଶୁଡ଼ି ଯାଇଛି 5T ସ୍କୁଲର ପ୍ରାଚେରୀ। ବର୍ଷାରେ ଡେଲାଙ୍ଗ କପିଳେଶ୍ୱର ନୋଡାଲ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାମରେ ଅନିୟମିତତାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ଛାତରୁ ପାଣି ଗଳୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।